लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की ज़रूरत है, हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। आप देखिए, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वजीराबाद के वराज का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। लेकिन हरियाणा की ये साजिश वजीराबाद पे नहीं रुकी। जो मुनक कनाल में दिल्ली में पानी आता है, वो अपर यमुना रिवर बोर्ड के फैसले के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में पानी कम आ रहा है। हरियाणा ये झूठ बोल रहा था कि हमने पूरा पानी छोड़ा है, लेकिन उन्होंने जब अपना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, तो उनके ही कागजों से उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है, और उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के एनेक्चर्स में वो ये आंकड़े देते हैं मई 2024 के, और उसके बाद जून 2024 के स्टेटमेंट शोइंग डिस्चार्ज रिलीज फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली, और उसमें ये लिखा है एक्चुअल रिलीजेस फॉर दिल्ली एट मुनक। तो मुनक से दो सब कनाल्स में पानी आता है, एक सीएलसी करियर लाइन चैनल और दूसरा डीएसबी दिल्ली सब ब्रांच। और अगर आप हरियाणा के अपने आंकड़े देखिए, तो वो दिखाते हैं कि 1 मई से 22 मई तक वो सीएलसी में 719 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और डीएसबी में 330 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 1050 यानी 1049 क्यूसेक्स पानी 1 मई से 25 मई तक छोड़ रहे थे। फिर उनके ही आंकड़े देखिए आगे, और हम देख सकते हैं कि ये आंकड़े 23 मई से कम होने शुरू हुए। जिस दिन तक दिल्ली में चुनाव था, पानी की संख्या दिल्ली में घटती रही, वो 719 क्यूसेक्स और 309 क्यूसेक्स से घटकर 675 क्यूसेक्स और 283 क्यूसेक्स हो गया। ये हरियाणा के अपने आंकड़े बता रहे हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को था, उससे पहले 4 दिन तक हरियाणा ने दिल्ली का पानी कम किया। उनके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये लिखा है। और अब जब पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में पानी की त्राही त्राही मची हुई है, जब पिछले एक हफ्ते से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को कह रहा है कि हिमाचल के पानी को थ्रू करने दो, हरियाणा पीछे से मुनक कनाल का पानी कम कर रहा है। उनके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 7 मई को, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून को सीएलसी में, जहाँ पे उन्हें 719 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 675 क्यूसेक पानी छोड़ा है। और डीएसबी में, जहाँ पे उन्हें 330 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 310 क्यूसेक पानी को रिलीज किया है। यानी हरियाणा सरकार के अपने एफिडेविट ने, हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों ने, जो वो झूठ पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। और अब सब दिल्ली वालों के सामने, सब देशवासियों के सामने ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के हक का पानी हरियाणा रोक रही है, जानबूझकर रोक रही है और आधिकारिक तरीके से रोक रही है।